Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं तीन बड़े ऐसे सरप्राइजेस जो हमको WWE के रॉयल रंबल 2022 के वेबने होने देख सकते हैं और बहुत शॉक कर सकते हैं। यानी कि क्या हमको देख सकते हैं बड़े टाइटल चेंजेस और कौन पॉसिबली जीतते हुए देख सकता है द WWE रॉयल रंबल मैच। सो गाइस, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप रॉयल रंबल का पेपर व्यू देखने वाले हो, सॉरी गाइस, प्रीमियम लाइव इवेंट देखने वाले हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, नंबर थ्री में लगा है गाइस द फेनोमेनल एजे स्टाइल्स का मेंस रॉयल रंबल मैच विन। गाइस आपको तो पता ही होगा कि गाइस जो एजे स्टाइल्स है गाइस वो अभी उनका फिर से सिंगल्स करियर में फोकस कर देंगे क्योंकि एजे स्टाइल्स है गाइस उन्होंने टैग टीम डिवीजन छोड़ दिया और गाइस फिर से उन्होंने उनका पूरा फोकस डाल दिया है सिंगल्स डिवीजन में और जो फैंस है गाइस वो डिमांड कर रहे हैं WWE से कि AJ स्टाइल्स को एक अच्छा वाला पुश है क्योंकि गाइस सब फैंस को चाहिए कि फिर से गाइस AJ स्टाइल्स उनके करियर में गाइस अभी लास्ट डेज में है और सब फैंस को जो AJ स्टाइल्स है गाइस वो उनके लास्ट डेज ऑफ द करियर एक फिर से वर्ल्ड चैंपियन बने और रॉयल रंबल मैच भी जीते। और गाइस जो WWE गाइस बीच में रिपोर्ट्स भी आए कि जो WWE गाइस उनके पास बट ये बड़े वाले प्लान्स है द फेनोमेनल AJ स्टाइल्स के लिए रेसलमेनिया 38 के लिए। इसलिए गाइस जो WWE गाइस उन्होंने ओमोस और AJ स्टाइल्स को अलग किया था, बहुत ही रिपोर्ट्स आ रहे हैं और प्लस गाइस जो बैटिंग और से गाइस उन्होंने भी हमको बोला है कि शायद से गाइस AJ स्टाइल्स के मेंस रॉयल रंबल मैच जीतने के बहुत ही बड़े वाले चांसेस है। इसलिए गाइस जो WWE गाइस वो हमको पॉसिबली रॉयल रंबल 2022 में जो कि हमारे फंडामेंटल AJ स्टाइल्स है गाइस वो हमको बनते हुए दिख सकते हैं द मेंस रॉयल रंबल मैच के विनर क्योंकि WWE के पास बहुत ही बड़े वाले प्लान है AJ स्टाइल्स के लिए और WWE पॉसिबली गाइस AJ स्टाइल्स को एक बड़े वाले प्रोग्राम में भी डालते हुए दिख सकते हैं रेसलमेनिया 38 में। गाइस ये बात तो मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं कि गाइस AJ स्टाइल्स कितने बड़े स्टार है और वो कितने बड़े अट्रैक्शन है WWE के प्रो रेसलिंग के दुनिया में। इसके अगर WWE AJ स्टाइल्स जैसे स्टार को इंक्लूड करते हैं रेसलमेनिया 38 के बड़े मैच में गाइस WWE को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और जो AJ स्टाइल्स के फैंस है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे इस वजह से वन लास्ट टाइम एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लेते हुए। और सो WWE गाइस ये साल देख के लगता भी नहीं गाइस कोई कोई रॉयल रंबल मैच के लिए बिल्ड हो रहा है कि पहले हम लोग देखते थे कि गाइस WWE हर एक स्टार को बिल्ड कर देती है लेकिन ऐसा किसको बिल्ड किया ही नहीं है और सबको देखा जाएगा जो AJ स्टाइल्स गाइस उनके ही सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो मेंस रॉयल रंबल मैच जीत ले। इसलिए गाइस पॉसिबली जो हमारे द फंडामेंटल AJ स्टाइल्स है गाइस वो हमको ये साल का WWE मेंस रॉयल रंबल मैच जीतते हुए देख सकते हैं। गाइस नंबर टू पे हमने रखा है गाइस हमारे बीस इंकरनेट ब्रॉक लेसनर का WWE चैंपियनशिप डिफेंस अगेंस्ट बॉबी लैशली। गाइस आपको तो पता ही होगा गाइस जो WWE गाइस उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि गाइस हमको नेक्स्ट वीक रॉयल रंबल के पेपर में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच तो दिखने वाला है बिटवीन बॉबी लैशली एंड ब्रॉक लेसनर फॉर WWE चैंपियनशिप। और इस मैच में सबसे ज्यादा चांसेस तो गाइस ब्रॉक लेसनर की बने गाइस WWE गाइस वो ब्रॉक से कभी भी हराती नहीं है और इसे बड़े मैच में गाइस वो हमेशा ब्रॉक लेसनर को ही प्रेफर करती है और प्लस गाइस WWE रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच भी प्लान करते हुए दिखने वाले हैं। और शायद से गाइस WWE गाइस वो पॉसिबली गाइस रेसलमेनिया 38 में मैच होने वाला है बिटवीन रोमन एंड ब्रॉक लेसनर गाइस WWE प्लान करेगी वो मैच में गाइस पॉसिबली WWE चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखे। गाइस ये चीज बहुत ही शॉकिंग है WWE गाइस पहले यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखने का WWE का प्लान चेंज हो गया और उनका प्लानिंग रसल 38 में लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का मैच फिर से कराने वाले और गाइस वो हमको ये बार जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो ऑन द लाइन नहीं होते दिखने वाले। इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में दूंगा यानी नेक्स्ट नंबर वन पे बोलूंगा लेकिन WWE का भी प्लान है कि वो हमको रेसलमेनिया 38 में जो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का मैच होने वाला है गाइस वो हमको WWE चैंपियनशिप होते हुए दिखने वाला है। यानी गाइस क्लियरली एक चांस दिखाता है कि गाइस जो WWE गाइस उनका कोई प्लान नहीं है कि वो बॉबी लैशली को रॉयल रंबल के पेपर में द न्यू WWE चैंपियन बनाते हुए दिखने वाली है। गाइस WWE गाइस WWE के डे वन के पेपर में गाइस उन्होंने ब्रॉक लेसनर को यही रीजन की वजह से WWE चैंपियन बना क्योंकि गाइस WWE को
रेसलर को वीक नहीं दिखाना था, जो इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो डे वन में ब्रॉक लेसनर वीक नहीं दिखा पाई, तो क्या वो रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर को वीक दिखाएंगे? गाइस इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए गाइस जो डब्ल्यूडब्ल्यूई गाइस वो हमको रॉयल रंबल में ब्रॉक जो कि बॉबी लैशली गाइस वो हमको हारते हुए दिखने वाले हैं अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, और वो हमको जो ब्रॉक लेसनर है गाइस वो उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाले, और वो हमको वो चैंपियनशिप डिफेंड करते दिखेंगे रेसलमेनिया 38 में। गाइस नंबर वन पे हमने रखा है गाइस हमारे दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस का WWE चैंपियनशिप विन। गाइस आपको तो पता है गाइस WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है रॉयल रंबल 22 के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। गाइस ये मैच तो चैंपियनशिप के लिए वो बड़ा मैच नहीं है, गाइस ये होने वाला है द ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच द शील्ड के बीच में। मैं बता दूं शील्ड गाइस WWE की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फैक्शन है, और कभी भी ऐसा WWE हमको रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का फ्यूड फैंस को हमेशा ये चीजों में बहुत ही बड़ा वाला इंटरेस्ट आता है। प्लस गाइस अभी हम मैच के बारे में बात करें, मेन चीज गाइस वो है कि गाइस WWE प्लान कर रही है बहुत ही बड़े वाली चीजें मैच में जो कि पॉसिबली हो सकता है गाइस हमारे ऑलरेडी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस का WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप विन, क्योंकि गाइस WWE का गाइस शायद से प्लान है जो सेथ रॉलिंस है गाइस वो उनको WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनाते हुए दिखने वाली है रॉयल रंबल 22 के पेपर में, क्योंकि गाइस एमए को बोला गया कि नंबर 2 पे गाइस कि जो ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच है गाइस वो WWE चैंपियनशिप के लिए वाला है रेसलमेनिया 38 में, ना कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि WWE को चाहिए कि गाइस दोनों ही नाइट रेसलमेनिया गाइस दो नाइट का होने वाला है, और गाइस WWE को लगता है गाइस अगर वो एक ही नाइट में गाइस दोनों चैंपियनशिप ऑनलाइन रखते हैं तो गाइस उनको एक नाइट को गाइस ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलेगा फैंस से, इसलिए जो WWE ने पास सोचा इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो नाइट 1 पे और नाइट 2 पे अलग वर्ल्ड टाइटल मैचेस रखने वाली है, इसलिए गाइस WWE गाइस हमको पॉसिबली वो ही वर्ल्ड टाइटल मैचेस अलग अलग है जो कि द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस गाइस वो उनको पॉसिबली बनाते हुए देख सकती है द न्यू WWE यूनिवर्सल चैंपियन, क्योंकि WWE को ये बात पता चल गई है कि अगर वो एक ही नाइट पर दोनों ही चैंपियनशिप एक यूनिफिकेशन मैच रखती है तो बस कौन बंदा नाइट वन को देगा, और गाइस ये चीज़ हम लोग को बहुत ही ज्यादा बोलते भारी पड़ेगी क्योंकि WWE एक ही नाइट पर इतना बड़ा मैच है तो बस कौन फैंस नाइट वन की टिकट खरीद के देखने जाएगा, क्योंकि गाइस पूरा मजा का नाइट टू पर कौन बंदा नाइट वन भी रहेगा, सब लोग को रेटिंग्स में बहुत फायदा नहीं होगा, इसलिए सब लोगों ने ये बात सोचा है, सब लोगों डिसाइड किया है कि हमको गाइस वो नाइट वन और नाइट टू पर गाइस दोनों ही दिनों गाइस अलग वर्ल्ड टाइटल मैचेस दिखाने वाले, और सब लोगों के पास दो ऑप्शन है गाइस, इधर गाइस वो बॉबी लैशली को WWE चैंपियन बनाते देख सकते हैं, तो गाइस इधर सेथ रॉलिंस को यूनिवर्सल चैंपियन बनाते हुए देख सकते हैं, और जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है गाइस वो है कि सेथ रॉलिंस को यूनिवर्सल चैंपियन बनाना, क्योंकि WWE को ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का फिर से WrestleMania 38 में मैच दिखाना है, पहले से जो ब्रॉक लेसनर है रोमन रेंस के सामने हार गए हैं क्राउन जूल के पेपर में, अगर ये बात पे गाइस ब्रॉक लेसनर को फिर से रॉयल रंबल में हरा देगा फैंस क्या बोलेंगे, एक हरा हुआ ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के अगेंस्ट आ रहा है, डिसाइड किया कि वो ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल में हरा गए इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे, और जो भी गाइस रोमन रेंस है गाइस उनको तो वो ओवर 600 डेज से अनडिफीटेड है रोमन रेंस, अगर वो हारते हैं ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है रोमन रेंस को, पहले भी तगड़ी रेन रही है और वो एक लॉस लेते हैं रोड टू रेसलमेनिया गाइस उनको ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए तो WWE गाइस उनको पॉसिबली रॉयल रंबल 22 का पेपर जो आखिर एक सेट होगा वो हमको बनने वो टिकने वाले द न्यू WWE यूनिवर्सल चैंपियन, और जो रोमन रेंस है गाइस उनकी जो इतनी बड़ी रेन रही है लॉन्गेस्ट रेन ऑफ टू समर गाइस वो खत्म होते हुए टिकने वाले WWE के रॉयल रंबल रोमन रेंस को हरा के बनेंगे द न्यू WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।